प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साइंस नाइन्थ क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं कल से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर चैप्टर एक में से दे रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपको ठोस के बारे में बताऊंगा कि वैसे तो मैंने ठोस के लिए आपको पहले भी लिखवा दिया है, लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं हमारा पॉइंट है और उसी पॉइंट के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि पदार्थ कण सदैव गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ाने पर कणों की गति भी तेज हो जाती है। खाने की गंध विसरण विधि के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हम तक पहुंच जाती है। गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण विसरण की दर ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए कई मीटर दूर से ही हमें गंध का अनुभव हो जाता है। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूँ। इसी के साथ ही कल मैंने आपको एक और बताया था कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने कल आपको लिखवाया था कि स्विमिंग पूल में पानी के कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है गोताखोर के द्वारा लगाए गए बल से कम होता है, जिसके कारण गोताखोर पानी को आसानी से काट देता है। इसी के साथ ही मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिविटी के माध्यम से भी हमने उसको हल किया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे नमक और चीनी घोल करके हमने देखा था। दूसरा मैंने बताया था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अगरबत्ती और सेंट वाला उदाहरण दिया था। इसी के साथ तीसरा मैंने बताया पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैंने पानी की तेज धार को उंगली से काटने या थाली में भरे हुए पानी को काटने की बात कही थी। इस प्रकार से मैं यहाँ तक की बात आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने ठोस अवस्था के बारे में या पदार्थ की अवस्थाएं बताता हूँ। पदार्थ की अवस्था देखिए, जब मैंने पाठ को प्रारंभ किया था उस समय भी मैंने प्रारंभ पदार्थ की अवस्थाओं से ही किया था, लेकिन यहां मुझे एक बार फिर और बताना पड़ रहा है इसको कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है। ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं उनमें पाए जाने वाले कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। उनके कणों में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब मैं आपको ठोस अवस्था की बात करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए पेन है, किताब है, सुई है और लकड़ी की छड़ लेकर सभी वस्तुओं के चारों ओर हम पेंसिल घुमा करके उनके आकार का एक चित्र बनाते हैं। हमने क्या देखा
कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्थिर आयतन और स्पष्ट सीमाएं बन जाती हैं, तथा बाह्य बल लगाने पर ये टूट सकते हैं किंतु इनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए ये हमारे सामने इसकी विशेषता हो गई है, ठोस की विशेषता हो गई। क्या कि ठोस एक निश्चित आकार वाला होता है, ठोस एक स्थिर आयतन वाला होता है, ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती है, ठोस पर यदि बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आपको पदार्थ की इस अवस्था के बारे में थोड़ा ज्ञान करवाऊंगा, उसके बाद इससे संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको बताऊंगा। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार होता है। तो उसका इस तरह आयतन होता है, आयतन होता है। नंबर तीन, ठोस की स्पर्श सीमाएं होती है, ठोस की स्पर्श सीमाएं होती है। इसके बाद नंबर चार, ठोस पर यदि बल लगाया जाए तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठोस के बाह्य बल लगाने पर आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न बन रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं? देखिए, पहला बन रहा है, जैसे रबर बैंड को क्या हम ठोस कह सकते हैं? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? एक प्रश्न आया है इसका कि ये नोट करेंगे आप, अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था का एक निश्चित आकार होता है, ठोस का स्थिर आयतन होता है, ठोस की स्पर्श सीमाएं होती है, ठोस के बाह्य बल लगाने पर आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ तक की बात मैं आपको ठोस की बता चुका हूँ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि रबर बैंड को क्या हम ठोस कह सकते हैं? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? हमारे सामने ये प्रश्न आ गया है कि क्या इसका आकार हम बदल सकते हैं? तो प्रश्न का इसके उत्तर में हो गया कि बाह्य बल लगाने पर क्या होगा, रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है,
परंतु जैसे ही हम बाइबल को हटाएंगे ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, परंतु एक सीमा से अधिक बल लगाने पर क्या हो जाएगा, ये टूट जाता है। अतः हम रबर बैंड को ठोस कह सकेंगे। भाई बल लगाने पर क्या होगा, उत्तर है इसका कि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने बाह्य बल लगाया रबर बैंड का आकार बदल जाता है, आकार बदल जाता है, परंतु जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं रबर बैंड उन्हें पहले वाली स्थिति में आ जाता है, और अधिक मात्रा में बाह्य बल लगाते हैं तो रबर बैंड टूट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रबर बैंड एक ठोस है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको। मैंने प्रश्न बताया था कि क्या हम रबर बैंड को ठोस कह सकते हैं, क्या खींचकर इसका आकार बनाया जा सकता है। हाँ, रबर बैंड को खींच करके इसका आकार बदल सकते हैं, जब इसके ऊपर हम बाइबल लगाएंगे ये खींचता चला जाएगा, फ्लेक्सिबल होता है, और जैसे ही हम बाइबल हटाएंगे ये पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। परंतु यदि इस पे आवश्यकता से अधिक बल लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा, रबड़ बैंड टूट जाएगा। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि चीनी या नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है वे उन्हीं की बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, आकार को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या ये भी ठोस है। देखिए प्रश्न आ गया नया, क्वेश्चन बन रहा है नया कि चीनी अथवा नमक को चीनी अथवा नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है, चीनी अथवा नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है वे उन्हीं बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, वे उन्हीं बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। हो गया, क्या ये ठोस है, क्या ये ठोस है। ये हमारे सामने प्रश्न बन गया कि यदि मान लीजिए हम चीनी और शक्कर को जिस बर्तन में रख देंगे ये उसी के आकार के हो गए तो क्या इनको हम ठोस कह सकते हैं। प्रश्न हमारे सामने ये बन गया, ये सभी क्या माने जाएंगे, ठोस माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे बताओ, क्योंकि इन्हें अगर किसी प्लेट या जार में रख देते हैं तो इनके क्रिस्टलों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिस्टल किसे कहते हैं, निश्चित ज्यामितीय जो संरचना होती है वो क्रिस्टल कहलाती है।
तो लिखेंगे हम उसका भी हाँ ये सभी ठोस है। मीनी अथवा नंबर दोनों ठोस है क्यों? क्योंकि यदि इनके क्रिस्टलों को प्लेट या जार में रख देते हैं किसी प्लेट या जार में रख देते हैं तो इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। अतः ये ठोस है। ये बात तुमने प्रश्न को देख ले कि चीनी के क्रिस्टल और नमक के क्रिस्टल यदि किसी बर्तन या बर्तन में रखते हैं तो ये उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या ये ठोस है? प्रश्न हमारा ये बन गया। तो इसी प्रश्न का कि हाँ ये सभी ठोस है क्यों है? क्योंकि इनके आकार के क्रिस्टल अगर किसी जार या प्लेट में रखते हैं तो क्रिस्टलों का आकार परिवर्तित नहीं होता। इससे हमारे सामने ये निकलता है कि ये सभी क्या है? ठोस है। अब मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न और बताता हूं और वो प्रश्न है आपका कि एक स्पंज एक ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संभव है क्यों? क्वेश्चन है स्पंज एक ठोस है। स्पंज को कैसा मान रहे हैं? कपड़े वाला स्पंज देखा होगा ना आपने। स्पंज एक ठोस है फिर भी इसका संपीड़न संपीड़न संभव है क्यों? प्रश्न बन गया है। देखो स्पंज की बात यह है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो उसमें भरी वायु बाहर निकल जाती है। इसी कारण क्या होता है? स्पंज का संपीड़न संभव है, ये ठोस ही माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो छिद्रों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है। और स्पंज का संपीड़न हो जाता है। एक बार फिर समझ लें कि स्पंज का संपीड़न क्यों हो गया? यदि एक ठोस है तो
हम जानते हैं कि स्पंज में बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी हुई रहती है, वायु भरी हुई रहती है। जब हम स्पंज को दबा देते हैं तो इन छिद्रों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है और स्पंज का संपीड़न हो जाता है। अब इसके बाद आपकी अवस्था नंबर दो आ गई है कि पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस की। तो मैं अब आपको द्रव पर ले जाना चाह रहा हूं। देखिए, द्रव के बारे में मैंने पाठ के शुरुआत में भी आपको बताया था। जैसे हमने जल ले लिया, खाना पकाने का तेल ले लिया, दूध ले लिया, जूस ले लिया, शीतल पेय ले लिया और इन सब के आकारों के बर्तन लेकर के हमने क्या किया, इनको प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर के द्वारा इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगा करके डाल दिया। अब हमारे सामने प्रश्न ये बन गया, इन द्रवों को यदि फर्श पर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा बताओ। अगर मान लीजिए हम इन सब द्रवों को फर्श पर डाल देंगे तो बहने लग जाएंगे, क्योंकि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है। इनके गाढ़ेपन और पतलेपन के कारण बहने का वेग ये जरूर हो सकता है कि अलग अलग हो। अगर कोई ज्यादा डाइल्यूट होगा तो तेज गति से बहेगा, यदि कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ तो धीमे गति से बहेगा। परंतु इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा, बहने का गुण पाया जाएगा। एक प्रश्न हमारे सामने आ गया, तो मैं आपको दूसरी बात बताऊं। प्रश्न नंबर दो कि यदि किसी द्रव का 50 ml माप पकड़ विभिन्न प्रकार के बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाल दें तो क्या प्रत्येक अवस्था में इसका आयतन समान रहेगा। हाँ, क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु उसका आयतन कैसा रहता है, निश्चित होता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में द्रव का आयतन समान ही रहेगा। 50 ml यदि हमने नाप करके डाला है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, द्रव का आकार एक समान नहीं रहता। जिस प्रकार के बर्तन में डालेंगे द्रव उसी प्रकार की आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या ये आसानी से बहता है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है। द्रव में विसरण दर ठोस से अधिक क्यों होती है? प्रश्न बन गया कि द्रव में ठोस की अपेक्षा कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। ठोस की अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान होने के कारण द्रव में विसरण की दर भी ठोस की अपेक्षा ज्यादा ही होती है। इसलिए क्या हो सकता है, विसरण की दर ठोसों से अधिक पाई जाती है। अब मैं आपको प्रश्न हल करके बताता हूं द्रव अवस्था वाला। द्रव अवस्था, देखिए मैंने आपको बताया था कि द्रव अवस्था में क्या क्या होता है, कि द्रव के कारण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, एक बात हो गई। द्रव के कणों में विसरण गति ठोस से अधिक होती है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव के बारे में मैंने आपको कई प्रश्न बताए हैं, द्रव के बारे में मैंने आपको कई प्रश्न बताए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्रव के कणों में उसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं, द्रव के कणों में विसरण गति ठोस से ज्यादा होती है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जिस प्रकार के बर्तन में डालोगे उसी प्रकार की आकृति को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। द्रव का आयतन कैसा होता है, द्रव का आयतन
निश्चित होता है। अब मैं आपको प्रसंग के बारे में बताता हूं कि देखिए, यदि इन द्रवों को हम, जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या इकट्ठा किया, जल, खाना पकाने का तेल, यदि हमने जल, खाना पकाने का तेल, ये चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, दूध, जूस, शीतल पेय, इसी के साथ ही इन्हें यदि हम किस पर डाल दें, यदि हम फर्श पर डाल दें, इन्हें यदि फर्श पर डाल दिया जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि यदि इनको लेकर के हम फर्श पर डालेंगे तो सभी द्रव बहने लगेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका, यदि इन द्रवों को फर्श पर डालेंगे ये सब बहने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये सबके सब द्रव बहने लग जाएंगे। हाँ, इनके बहने में गाढ़ेपन और पतलेपन के कारण कुछ अंतर होता है। इनके बहने के वेग में गाढ़ेपन और पतलेपन के कारण अंतर हो सकता है। जो कल्चर टेट होगा वो ज्यादा तेज गति से नहीं बह पाएगा और जो डाइल्यूट होगा वो तेज गति से बह पाएगा। मैंने इसी के साथ ही आपको प्रश्न बताए थे कि वही द्रव का आकार एक समान होता है क्या, नहीं, इस बर्तन में भर लोगे उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा और जिस बर्तन को आप आकृति के अनुसार डालना चाहोगे उसी के आकृति का हो जाएगा। यहां मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या द्रव का आकार एक समान बन गया, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, द्रव का आकार बर्तन की आकृति के अनुसार बदलता है। उत्तर हो जाएगा इसका नहीं, द्रव का आकार बर्तन की आकृति के अनुसार बदल जाता है। ये प्रश्न आपका यहां तक हो गया है, मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कल बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।
Right, yes, yeah.